जानकारी गलत है। मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है, पहले रामजत पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनर थे, एतिसम हिस्ट्री पैथोलॉजी टेक्नीशियन है। आज का हम लोग चैप्टर आता है फ्लेबॉटमी बाय डिटेल होल्डर मेथड। तो आपको बताएंगे कैसे होम कलेक्शन में कैसे किया जाते हैं, होम कलेक्शन कैसे करते हैं, फ्लेबॉटमी कैसे किया जाता है, उस विषय में। ये हमारे फ्लेबॉटमी किट्स है। फ्लेबॉटमी किट्स में क्या क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। हमारा हैंसोप्लास्ट, सिरिंज, टूनिकेट, कई लोग इसे टर्निकेट नाम से बोलते हैं, ये टर्निकेट नहीं है, टूनिकेट है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड मिलते हैं, टूर मतलब यात्रा, क्विट मतलब रोकना, टूर्निकेट यात्रा को रोकना, टूर्निकेट कहलाता है। रेक्यूटेनर्स, क्लॉट एक्टिवेटर्स, EDTA एंड फ्लोराइड्स। होल्डर्स है, निडल है, तो पहले क्या करते हैं, ब्लड कैसे कलेक्शन करते हैं। ब्लड कलेक्शन करने के लिए हम लोग को एंटीक्यूबेटल एरिया का चयन करना होता है। सपोज यदि हमारा एंटीक्यूबेटल एरिया है, यहाँ थ्री वेन्स दिखेंगी, सिफेलिक, डिसेलिक एंड मीडियन क्यूबाइटल्स इस जगह पर दिखेंगे। तो अगर जिसको नहीं दिख रही हो तो आप पैल्पेट करके भी देख सकते हैं, पैल्पेट करके भी मिल जाएगी, ठीक है। तो टूनिकेट कैसे बांधते हैं, जिस जगह से आपको ब्लड निकालना है उससे 3 इंच ऊपर टूनिकेट बांधते हैं। सपोज दैट हम यहाँ मीडियम के वेटल से निकालना है तो उसे 3 इंच ऊपर हम टूनिकेट बांधते हैं। सपोज दैट ये जैसे हमने बताया था, टूनिकेट क्या करता है, ब्लड की यात्रा को रोकता है, ब्लड दौड़ता रहे तो उसकी यात्रा को रोकता है। टूनिकेट, टूर मतलब यात्रा, किट मतलब रोकना। और ये जो हमने कॉटन स्वाब लिया है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्लीनिंग का काम करेंगे। जिस जगह हमें ब्लड निकालना है वहां पे इनर टू पेरीफेरी पोजीशन में वॉश करना है, जैसे इनर टू पेरीफेरी, अंदर से बाहर की ओर इस तरह से वॉश कर दिया जाता है, ठीक है। दोबारा इस कॉटन की यूज नहीं करेंगे, अगला ड्राई कॉटन लेंगे। टूनिकेट को हमेशा ध्यान दीजिए 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं बांधा जाता। जैसे आपको वेन्स दिख रही है, बढ़िया से दिख रही है, 1, 2, 3 सिफेलिक, बिसेलिक, मीडियम क्यूबाइटल, तो हम सिफेलिक से बढ़िया दिख रही है, इसको हम चयन करते हैं। इसको निडल होल्डर में इस तरह से फिट करते हैं, ये निडल हो गई, ये हमारे वैक्यूटेनर्स थे। जैसे हमें यहां जांच करनी है सीबीसी, LFT, KFT, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर वेन में इसे पुश कर देते हैं, अंदर चला जाता है। उसके बाद ये देखिए ब्लड किस तरह से सक कर रहा है। आप ध्यान देंगे कि हमने सबसे पहले रेट लिया है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉप बाय होल्डर निडल होल्डर होता है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉप में सबसे पहले इसमें हम लोग सक करते हैं, क्यों, इसके विषय में थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल भी है, आगे बताते हैं। जैसे 1 मिनट हो रहा है, टूनिकेट हम इस तरह खोल देंगे, 1 मिनट ज्यादा देर नहीं बांधना है, और ड्राई कॉटन ले लेंगे, इसको 5 यार्ड करेंगे। ये हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो गया, ड्राई कॉटन लगाएंगे और हटा लेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।